ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या? भीड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। अभी तो गेट ही नहीं खुला है यार, बात ऐसे। ये मेरा सेकंड ब्लॉक है और ये ग्राउंड में मैं पहुँच चुका हूँ। अगर दोपहर में इतने सारे लोग हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम को कितने सारे क्राउड होने वाले हैं यहाँ। मेरे फर्स्ट वीडियो में जो आप देखे थे वहाँ पे ये वाला जो ग्राउंड था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बोर्ड लग चुके हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सबकी अलग अलग लाइनें लगी हैं, पुरुष और महिलाओं की सबकी अलग अलग लाइनें हैं कि कौन, ताकि ज़्यादा भीड़ हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं चेक सिक्योरिटी चेक करा के वीडियो ऑन करता हूँ। तो चेकिंग हो गई है, घुमा के दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अभी दोपहर में 12 बजे दोपहर में कितना सारा भीड़ यहाँ पे हो गया है। तो ओ माय गॉड, कितना सारा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं बचा हुआ है कि हम लोग अंदर जा पाएं। एक बार आप भीड़ देखिए, पूरा सीट फुल हो चुका है यहाँ पे। छापी में आप देख रहे हैं गौर सिंह नृत्य। अभी अभी जस्ट मुझे अंदर जाने दिया गया है क्योंकि 5 लोग बाहर निकले हैं, तो सिर्फ 5 लोग की एंट्री यहाँ पे हो पाई है। देखते हैं कि कितने अधिक मात्रा में यहाँ पे लोग हैं, जनता है। और अभी माइक में अनाउंस कर रहे हैं कि कर्मा नृत्य होने हो रहा है वहाँ पे, जो कि हमें डिस्प्ले में दिख पाएगा। के साथ अपने उल्लास में मग्न होकर ये दल कि इन्होंने अपने राज्य जिस तरह से एक संतुलन उन्होंने पूरे राज्य शासन के बीच बनाया हुआ है, उसी तरह का संतुलन का संदेश वे हमारे कलाकारों को और हम सभी को देते हैं। इन लोगों का परफॉर्मेंस हो चुका है और ये लोग अब जा रहे हैं अपनी सीट पे। मैं आपसे अब बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मंच के पास जाने के लिए परमिशन नहीं है। भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भीड़ यहाँ पे, कितने सारे लोग, कितना क्राउड है यहाँ पे। काफ़ी मुश्किल के बाद मैं अभी अभी बाहर निकल पाया हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ की प्रदर्शनी है वो देखते हैं हम। कुछ मुझे दिख रही है एक साइकिल जो कि लकड़ी से, बांस से बनाया हुआ है, बैम्बू से बनाई गई ये बाइसिकल है। इसकी प्रदर्शनी लगे, मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद एंट्री होगी, अभी 2 नहीं बजा। मेले की तरफ रुख अपना मोड़ रही है, सब लोग इस साइड आ रहे हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि आपको पास लगेगा। लोग यहाँ पे घूमते चलते नज़र आ रहे हैं। एक काम करते हैं, जब तक 2 बजता है तब तक यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखते हैं क्या क्या शॉप है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ खाने पीने की मिल रही हैं। यहाँ पर भी अभी एंट्री नहीं हुई है, कह रहे हैं कि 2 बजे एंट्री होगी क्योंकि CM साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से ही हैं? मैं भिलाई से हूँ। अच्छा, भिलाई से मेला देखने इतना दूर से आए हैं, कहाँ से आए अंकल जी आप? रायपुर लोकल। अच्छा, रायपुर लोकल ही है। तो ये अपन रायपुर कहाँ से? नगर निगम। अच्छा, नगर निगम के पास से आए हैं लोग। जो कलाकार हैं उनकी एंट्री हो रही है, चलो हम देखें। यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं है, उनके लिए ये बैरियर लगाया गया है। जैसे 2 बजेगा और CM साहब अपना एक दौरा करेंगे, उसके बाद नॉर्मल जनता के लिए ये चीज़ खोल दिया जाएगा। जा रहे हैं, कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं भैया आप लोग? धमतरी। अच्छा, धमतरी। कौन सा डांस कर किए आप अभी? मांदरी डांस। कौन सा? मांदरी डांस। अच्छा, तो प्रोसेशन हो रहा है इन लोग का, तो आप लोग? अच्छा, ये जो डांस फॉर्म आप किए अभी प्रस्तुत किए उसका नाम क्या है? मांदरी डांस। मांदरी डांस। तो आप लोग को वहाँ पे मंच पे डांस करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया। तो CM साहब से मिले कि नहीं मिले? तो CM साहब से मिलके कैसा लगा, मजा आ गया? ये डांस का नाम क्या था और आप लोग कहाँ से हैं? आदिवासी पारंपरिक कर्मा नृत्य है। अच्छा, कर्मा नृत्य है। तो ये कहाँ का डांस है? ये जो जसपुर जिले के प्रसाबार विकास खंड। अच्छा, जसपुर जिले का कहाँ से? प्रसाबार विकास खंड। अच्छा अच्छा, तो ये जो डांस होता है इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है जो आप बजाते हैं? ये जो मांधर है। मांधर है। तो आप लोग ये कितने सालों से कर रहे हैं ये चीज? 18 साल। अच्छा अच्छा, 18 साल के थे। पीछे। तो अभी भी एंट्री शुरू नहीं हुई है हम लोग की। तो चलिए, जो यहाँ पे मेला देखने आए हुए हैं उनसे ही बात करते हैं। और लोग मिल गए हैं मेले में और पूछने लगे कि YouTube चलाते हो, तो चलिए ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भास्कर। भास्कर, ये भास्कर भाई। और क्या नाम है आपका भाई? ये पिंकू है। और तुम्हारा नाम क्या भाई? चक्रधारी। ये चक्रधारी भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि आप 2 बार मुझसे पूछ चुके थे कि आप YouTube चलाते हैं कि क्या चलाते हैं। तो ये बताओ, मेला में कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई आप बताइए। बहुत
बहुत जबरदस्त है भैया। हाँ, मजा आ रहा है। तो कहाँ कहाँ घूमे अभी मेले में? अभी तो गेट ही नहीं खुला है यार, बात ऐसे। आप कहाँ से आए हैं? नया पार राजी। नया पार राजिम से? इतना दूर से मेला देखने आए हैं? सिर्फ मेला देखने आए हैं? तो आप सब लोग राजिम से आए हैं? तो मेला घूम लिया? अभी तक नहीं घूमे? उद्घाटन नहीं हुआ। अच्छा, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है? तो वहाँ मंच के पास गए थे, बड़े वाले मंच के पास, तो कैसा लगा वहाँ पे जाके? कुछ देखे कि नहीं देखे अभी तक? देखने नहीं मिला। तो कहाँ से आए हैं? मतलब कि रायपुर से हैं कि बाहर से हैं? हाँ, महासमुंद से आए हैं। बड़ा दूर से आए हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग की पंचायत से आए हैं? सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, जैसे कि कल वाले आप वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ पे कैंटीन पूरा खाली था। अभी अलग अलग चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं, तो यहाँ पे अभी चाट सेंटर की तैयारियाँ हो रही हैं, तवा साफ किया जा रहा है, कुछ समय बाद चीज़ शुरू होगी। कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से हैं बाहर से आए हैं? अच्छा, रायपुर से ही हैं। तो ये अंकल जी रायपुर से ही हैं, यहाँ पे कुछ खा रहे हैं। ये भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या ख़ास चीज़ चल रही है यहाँ पे। भैया थोड़ा जाने दीजिए। तो कहाँ से आए आप लोग? कांकेर से आए हैं। तो कौन सा डांस फॉर्म लेके आए आप लोग? नहीं, डांस नहीं आए हैं, वेशभूषा में आए हैं। अच्छा, वेशभूषा में आए हैं आप घूमने, मेला घूमने के लिए? वाह गजब, बहुत सही। तो ये भाई साहब हैं कांकेर से आए हैं, अपनी टीम लेके आए हैं, कोई इनका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और मेला घूमने आए हैं। ये अभी खुलेगा नहीं क्योंकि अभी सीएम साहब का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे निकल गया हूँ और जाके ये वाला वीडियो एडिट करके अपलोड करता हूँ, अब तक शाम हो जाएगी। उसके बाद जो है संबलपुरी डांस, ये तो बड़ा फेमस डांस है, और इसमें जो बजाते हैं क्या गजब एनर्जी के साथ उस चीज़ को, इस ड्रम को बजाते हैं, सींग बजाते हैं। हाँ, अच्छा, किस चीज़ से बनता है ये? काफ़ी डेंजरस लग रहा है देखने में। अच्छा, चमड़े से बनता है। दो दिन से हैं, तो कैसा लग रहा है आप सब लोग को? तो यहाँ के लोग और यहाँ की चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको? चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है? तारपा। अच्छा, इसी के इंस्ट्रूमेंट के नाम पे आपका डांस का फॉर्म का नाम पड़ा हुआ है। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कल के प्रस्तुति के लिए, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, मैं मेले से निकल गया हूँ, दिन का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये वाले के बाद अभी दूसरा वाला पार्ट इसका आएगा, जो कि मैं शाम को आगे शूट करूंगा, और रात को करीबन मैं 12-1 बजे उसको मैं अपलोड करूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।